एशिया के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। इंदौर वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी वर्चुअली हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट। स्वच्छता में देश में 5 बार परचम लहराने वाले इंदौर शहर में एशिया के सबसे बड़े सीएनजी गोबरधन प्लांट का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि हम जब छोटे थे तब इंदौर का नाम आते ही सबसे पहले देवी अहिल्याबाई होलकर, महेश्वर और उनके सेवा भाव का ध्यान जरूर आता था। साथ ही पीएम ने कहा कि समय के साथ इंदौर बदला, ज्यादा अच्छे के लिए बदला, लेकिन देवी अहिल्या की प्रेरणा को कभी खोने नहीं दिया। समय के साथ इंदौर बदला, ज्यादा अच्छे के लिए बदला, लेकिन देवी अहिल्या जी की प्रेरणा को इंदौर ने कभी भी खोने नहीं दिया। देवी अहिल्या जी के साथ ही आज इंदौर का नाम आते ही मन में आता है स्वच्छता, इंदौर का नाम आते ही मन में आता है नागरिक कर्तव्य। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बेसहारा मवेशियों से होने वाली परेशानी भी इस गोबरधन प्लांट से कम हो जाएगी। गोबरधन योजना यानी कचरे से कंचन बनाने के अभियान का असर हो रहा है। कचरे और गोबर से गैस बनेगी, इससे लोगों को आय भी होगी। इंदौर को आज गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने का जो गोबरधन प्लांट मिला है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं शिवराज जी और उनकी टीम की विशेष प्रशंसा करूंगा जिसने इस कार्य को इतने कम समय में संभव बनाया है। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना के चलते वर्चुअल तरीके से जुड़े। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड एंड वन नरेंद्र मोदी। जब सब ये कहते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। ये भारत की प्रगति का गौरव काल है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वेस्ट टू बेस्ट का मंत्र भी प्रधानमंत्री ने दिया। मध्य प्रदेश इस पर अमल कर रहा है। इंदौर का सीएनजी प्लांट इसी का परिणाम है। हम सबके लिए गर्व का विषय है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के इस काल में, और मैं मानता हूं केवल अमृत महोत्सव नहीं है, ये भारत की प्रगति के लिए स्वर्ण काल है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। लेकिन दुनिया भी सुरक्षित रहे इसके लिए भी अगर दिशा दी है पूरे विश्व को, तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दी है। एशिया के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट का शुभारंभ हो गया। यकीनन ये प्लांट रोजगार के साथ कई दूसरी चीजों के लिए भी रास्ता खोलेगा, जो बेहद ही सराहनीय है। और यकीनन इस प्लांट से मध्य प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। टीम न्यूज़ स्टेट।